चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की किसान समर्थन रैली को लेकर निशाना साधा और कहा कि रैली में कांग्रेस के गुंडों ने पत्थर चलाए। जिन नेताओं ने प्रदर्शन किया वो गुंडे हैं और उन्हें चंदा वसूली के लिए पार्षद का टिकट चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास नेता और नियत दोनों ही नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश में वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। वैक्सीनेशन के 10.5 लाख डोज अब तक प्राप्त हो चुके हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि सोमवार से 450 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू होगा और सप्ताह के अंत तक यह 1200 केंद्रों पर हो जाएगा। तारीख को लेकर कोई बंधन नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी अपने कंफर्ट से वैक्सीनेशन करा रहे हैं। कमलनाथ के विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर उन्होंने कहा कि यह हर विधायक का अधिकार है, लेकिन सुनिश्चित हो कि इसमें राजनीति ना हो। कोरोना के समय में जब कमलनाथ सीएम थे तब क्यों इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा एक भी किसान अगर कांग्रेस के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए हो तो मैं इनाम दे दूंगा। पहली कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई। युवा कांग्रेस के गुंडों ने पहले पत्थर चलाए, कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा। कमलनाथ कलकत्ता से सेठ हैं, जमीन पर काम नहीं कर सकते। सारंग ने कहा दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने गुंडों का नेतृत्व करने की सुपारी दी है। जिन नेताओं ने प्रदर्शन किया वो गुंडे हैं और पार्षद का टिकट चाहिए। चंदा वसूली के लिए कमलनाथ के पत्रकारों को वैक्सीनेशन को लेकर लिखे पत्र पर सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जब सीएम थे तब पत्रकारों के लिए क्या किया ये बताएं। सुचारू रूप से चल रहा है। पहले चरण में जिस प्रकार से हमने निश्चित किया था कि हम लगभग 1200 केंद्रों में ये वैक्सीनेशन शुरू करेंगे, उस पहले चरण के पहले हफ्ते में हमने 150 स्थानों पर वैक्सीनेशन शुरू किया और अभी हमें प्रसन्नता है कि हमें केंद्र सरकार की ओर से 10.5 लाख डोज प्राप्त हो चुके हैं। जो हमारे पहले चरण की लिस्ट है जिसमें हेल्थ वर्कर हैं वो लिस्ट 4,16,000 की है। लगभग हमें 8,70,000 डोज चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें दोनों डोज पूरे हो जाएंगे। हमें प्रसन्नता की बात है कि हमारे पास 10.5 लाख वैक्सीनेशन की वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों हैं। लगभग 1.5 लाख हमें कोवैक्सीन भी प्राप्त हो गए हैं। हमने ये निश्चित किया है कि कल से 450 केंद्रों पर हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में 70% टर्नअप है, जो कि बहुत अच्छा आंकड़ा है। देखिए, दो बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि प्रत्येक सेंटर पर 100 हितग्राहियों की सूची हमने मैक्सिमम बनाई हुई है और उसमें कहीं भी ये बाइंडिंग नहीं है, ये सीमा नहीं है कि कौन कब वैक्सीन लगाएगा। यदि कोई अपनी नियत तारीख पर नहीं लगाता तो उसको दूसरी तारीख मिल जाएगी, इसलिए हेल्थ वर्कर्स को लगता है कि वो दूसरी तारीख में भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है, क्योंकि वही हेल्थ वर्कर रोजमर्रा की चिकित्सीय व्यवस्था में भी लगे हुए हैं। किसान बता दीजिए तो मैं इनाम दे दूंगा। चंद युवक कांग्रेस के गुंडों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी कहाँ थे। फिर कमलनाथ जी ने एक बार स्थापित कर दिया कि वो कलकत्ता के सेठ हैं, वो जमीन पर उतरकर कभी संघर्ष नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या ये उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने नेता से ये पूछ सके कि 4:30 बजे के बाद क्या कोई फ्लाइट नहीं थी जिससे वो दिल्ली चले जाते। कमलनाथ जी ने स्वयं, उन्हें मालूम था कि वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए चंद गुंडों को बुलाकर उन्होंने ये परिस्थिति बनाने की कोशिश की कि पुलिस को इस तरह से उनको रोकना पड़ा, पथराव हुआ। पहली कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई, पहले कांग्रेस के युवक कांग्रेस के गुंडों ने पत्थर चलाए, उन पुलिस वालों पर पत्थर चलाए जिन्होंने कोरोना काल में मध्य प्रदेश की जनता की जान बचाई। और ये सब कमलनाथ जी को मालूम था, इसीलिए तो वो चले गए। मैं कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूँ, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा था, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप
शहर की फिजा को ठीक रखें, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखें, संवैधानिक रूप में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, परंतु शहर की फिजा भी बरकरार रहे, लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे, ये भी नेता के निश्चित रूप से कर्तव्य का ही एक चरण है। इसलिए मैं सबके सामने ये पूछना चाहता हूँ, कमलनाथ जी कहाँ चले गए? जो मैं पहले से कहता आया हूँ कि कमलनाथ जी संघर्ष नहीं कर सकते, कमलनाथ जी जमीन पर उतरकर जनता की सेवा के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो तो हवाई जहाज में बैठकर रफू चक्कर हो गए। सेठ, कलकत्ता का सेठ दिल्ली होते हुए कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहा है। यूएस सिंह जी को तो कांग्रेस ने सुपारी दी है गुंडों का नेतृत्व करने की। गुंडे तो थे युवा कांग्रेस के, क्यों पथराव चल रहा है? एक भी किसान बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस बता दे कि ये फला किसान कल के प्रदर्शन में शामिल था, उसका पता ये है, और वो किसान सामने आ जाए। चंद वो लोग जो तथाकथित रूप से नगर निगम में पार्षद का टिकट चाहते हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं, किसानों का नाम लेकर प्रदर्शन करने वाले वो कांग्रेस के गुंडे हैं जो अगले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का टिकट लेकर चंदा वसूली करना चाहते हैं। उनको इकट्ठा किया गया, उनका नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी ने किया, क्योंकि 10 जनपद पर इस तरह के गुंडों का नेतृत्व करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल दिग्विजय सिंह जी को दिया गया है, और सेठ कमलनाथ तो रफू चक्कर हो गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।